1991 में एक कानून पारित किया था और वो कानून सरकार का नहीं, पूरी सर्वसम्मति से संसद ने पारित किया था कि देश की आजादी के बाद जो धार्मिक स्थल हैं उनको एज इट इज रखा जाएगा, यथावत रखा जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोअर कोर्ट्स हैं वहां पर इस प्रकार के घटनाक्रम सामने आ रहे हैं जहां पर लोगों में बेवजह तनाव पैदा हो रहा है। मुझे लगता है चाहे वो संभल का मसला हो या अजमेर का मसला हो, जानबूझ के कोई ताकतें हैं इस देश में जो चाहती हैं कि जनता का ध्यान किसान, महंगाई, बेरोजगारी से हटाकर इन मुद्दों पर आकर्षित किया जाए। इससे तनाव पैदा होता है, बेवजह निर्दोष लोगों की मौत हुई संभल के अंदर और कोई ना कोई इसके लिए जिम्मेदार है। तो ये जो इन बातों को अंजाम देने वाले जो लोग हैं उनसे हमें परहेज करना पड़ेगा। जो ताकतें लोगों को बांटना चाहती है, आज राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी संभल में जो लोग जिनकी मौतें हुई हैं उनसे मिलना चाहते थे, परिवार से मिलना चाहते थे, उनको जाने से रोक दिया गया है और वहां पर एक तनाव का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि भाजपा की जो रणनीति है वो ध्रुवीकरण पर टिकी हुई है और ये एक धीमी आंच पर हमेशा कुछ ना कुछ सुलगाने की कोशिश करते रहते हैं। अब आप अगर देश में ये मुहिम छेड़ दो कि हमें हर घर मकान पूजा और धर्म स्थानों को खोदना है, फिर नीचे क्या निकलेगा देखना, उसके नीचे और क्या निकलेगा, तो अंत नहीं है। इतना पुराना ये देश है तो देश की संसद ने 91 में ये कानून पारित कर दिया था कि इस आजादी के बाद जो यथास्थिति है वो मेंटेन रहेगी। तो इसकी क्या वजह आ गई है कि हम लोगों को बजाय इसके कि लोगों को रोजगार दें, महंगाई कम करें, किसानों की मांग पूरी करें, आज किसान धरना दे रहे हैं देश की राजधानी पर, हजारों लाखों किसान पहुंच रहे हैं, MSP पर कानून बनाने की मांग रख रहे हैं, सरकार को उन पर ध्यान देना चाहिए और संसद में भी चर्चा होनी चाहिए, सार्थक चर्चा हो जो देश के ज्वलंत मुद्दे हैं। तो ये जो लोगों के अंदर एक टकराव पैदा करने की जो एक लोगों ने ठान रखी है उस मंशा को मैं गलत मानता हूँ। देश सबका है, संविधान में सबको बराबर का अधिकार और हक दिया है और ये देश की खूबसूरती है। इसको जो ठेस पहुंचा रहे हैं वो देश का नुकसान कर रहे हैं।